ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर कभी भी इस फॉर्म का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई फंक्शन है तो इसको कैसे करते हैं। अगर इस तरह का कोई टाइप है, इसमें एक होगा फंक्शन और एक होगा उसका डेरिवेटिव, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली आपको मिलेगा ई पावर एक्स एफ एक्स। कई बार इसके साथ कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल ई पावर के एक्स। ये टाइप ऐसी है जिस पर अक्सर क्वेश्चन आया है, ई पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, देन रिजल्ट विल बी ई पावर के एक्स इंटू एफ एक्स साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताना है। इंपॉर्टेंट टाइप याद रखिएगा कि अगर लॉग दिया है या ई पावर एक्स दिया है, अक्सर ये टाइप लग सकती है। तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया होता है, आपको बनाना होता है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आप इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले लॉग एक्स को इसमें टी मानना है। आप इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहां पे डीएक्स की वैल्यू निकालना है, तो इसका एंटी लॉग लिया तो एक्स इक्वल टू ई पावर टी एंड देन डिफरेंशिएट, तो डीएक्स इक्वल टू ई पावर टी डी टी। यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था पर बन गया। देखिए तो यहां पर आप इसको लिखेंगे साइन टी प्लस कॉस टी इंटू ई पावर टी डी टी। देखिए क्वेश्चन वैसा था नहीं डायरेक्ट पर बन गया, तो आंसर इज ई पावर टी एंड साइन टी। टी की बस वैल्यू रखना मत भूलना, तो एक्स इंटू साइन लॉग एक्स, नोट करिए ई पावर एक्स, ये भाई आपके एग्जाम में ही आया हुआ ई पावर एक्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ई पावर एक्स। अब देखिए दिखने में सेम नहीं है पर टाइप वही है, कैसे पता चलेगा, देखिए ई पावर एक्स ये वन है, इसको आप हाफ एंगल से लिखेंगे टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब देखिए आपने इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, देखिए वन बाय टू sec square x by 2 plus एक cos cancel एक 2 cancel तो tan x by 2। अब देखिए दी नहीं थी वैसी फॉर्म पर बन गई। और आप बताइए अगर इसको मैं फंक्शन मानूं तो इस पूरे फंक्शन का इंक्लूडिंग कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन ये होता है, tan x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2 sec square x by 2। यानी रिजल्ट क्या हुआ e पावर x into tan। तो ये वाला एक टाइप ऐसा टाइप में है जिसके का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी, अक्सर मतलब अल्टरनेटिव ईयर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। x प्लस थ्री अपॉन x प्लस फोर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिखेगा, आप इसको बनाते हुए चलेंगे। करिए जरा कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो e पावर x के साथ है, और e पावर x के साथ आए हुए क्वेश्चन में बहुत हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये e पावर x है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखिए 1 अपॉन x प्लस फोर माइनस 1 अपॉन, ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। अभी आ रहा हूं थोड़ा सा 10 मिनट बाद, लाइक दिस। देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस फोर माइनस 1 तो x प्लस थ्री, ये फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है विथ साइन, विथ साइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप dy by dx 1 अपॉन x प्लस फोर करते हैं तो आपको मिलता है माइनस 1 अपॉन x प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो अब आपका आंसर क्या हो गया यहां पर, बोलो e पावर x अपॉन x प्लस फोर, नोट डाउन e पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दें तो बड़ा अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। सबसे पहले तो आपने tan इनवर्स x को t माना, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू बोलो डी टी, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन टी, क्योंकि इंटीग्रल में अगर हम कोई फंक्शन चेंज करते हैं तो अगर टी करा है तो हर चीज टी में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी, नहीं तो इंटीग्रल गलत हो जाएगा। आप बताओ क्या हुआ, अब ये कुछ ऐसा हो गया ई पावर टी वन प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी इंटू डी टी, क्योंकि इस पूरे को आप डी टी लिख सकते थे, और बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते थे sec स्क्वायर टी, तो sec स्क्वायर टी प्लस टेन टी। अब आपको क्लिक कर गया होगा कि इसको आपने अगर फंक्शन बोला तो ये डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या हो गया e पावर t इंटू टेन टी, टेन टी की वैल्यू क्या थी x भूलना मत, और e पावर tan इनवर्स x। जितने लोगों ने ये आंसर लिखा है द राइट आंसर।